काम सुनो सारे लोग, कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो शुरू में हल्का सा लगता है और धीरे धीरे आप देख रहे हो कितना बेला आज साथ कितना समूह काम कर रहा है। तो ये पूरी टीम वर्क का काम है। गोकुल जी के नेतृत्व में आपने देखा है आज कौन सा चरण है, 19वां चरण स्वच्छारण कहते हैं, क्लीन सरिस्का ग्रीन सरिस्का, ये आप सब लोगों की देन है। 19 चरण हो चुके हैं और जितना भी प्लास्टिक कचरा पॉलीथीन किसके लिए काम किया हमने, इस पर्यावरण के लिए काम किया, ठीक है। कि जो आज देख रहे हैं इतने ये जो कचरा नदियों में बह के जाता है और उसको भी वन्य जीव खा जाते हैं तो उनसे क्या होगा, हमारे वन्य जीव भी खत्म हो सकते हैं। तो आज आपने इतना पुनीत काम किया है, इतना पवित्र काम किया है, पता नहीं कितने वन्य जीवों की आपने सेवा की है, कितनों की जान बचाई है। एक छोटी सी सोच के कारण कि जो भी है कचरा आया फेंके दिया, लड्डू लाए या पॉलीथीन लाया, केला लाया डाल दिया और उसको जब वन्य जीव खा जाता है तो वो क्या हो जाता है,
प्लास्टिक उसके पेट में जाएगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए आपने इतना पवित्र काम किया और इस पवित्र काम के लिए सभी को पुनः धन्यवाद और एक बार क्लैपिंग। कि तो पूरी सरिस्का टीम का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है और आप सब लोगों का, विशेषकर पीएम सर का, लेखराज जी का, राजेंद्र जी का और थानागा जी की जो पूरी टीम है और साथ में सरिस्का के जितने भी स्टाफ साथी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस अभियान को 19वें चरण तक लाने में। और जिस तरीके से आप लोग आज एक इतनी अच्छी संख्या में कड़ी से कड़ी बनकर और इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हो, तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग यूथ होकर और अगर प्रकृति के साथ इस तरीके से जुड़कर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सरिस्का जिस तरह रेगुलरली एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जहाँ यहाँ टाइगर्स का जो आबादी थी, कुनबा था, वो भी बढ़ रहा है, 27 से अब दो नए जो टाइगर के जो बच्चे हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है, तो पूरा प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो एक बार जोरदार पूरे प्रशासन के लिए सरकार भी मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस सरिस्का के स्वचारण्य अभियान में। आप 19वें चरण में सतत रूप से लगातार सम्मिलित हुए हैं, बहुत से लोग आज पहली बार भी सम्मिलित हुए हैं और कुछ लोग सतत लगातार नियमित रूप से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं पूरा अपने युवा जागृति परिवार की ओर से और सरिस्का की तरफ से और आप सभी लोगों की ओर से इस अभियान को सतत तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा CCF सर RN मीना जी का, जो फील्ड डायरेक्टर हैं यहाँ, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। साथ में DFO सर DP जागावत जी, इनका भी हम ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे, इस अभियान को आगे बढ़ाने में सर योगदान दे रहे हैं। जितेंद्र जी, धर्म सिंह जी और इनकी पूरी टीम तन्मयता से पहले चरण से और लगातार इस 19वें चरण तक इस अभियान को पहुँचाया है। आप लोग इस प्रकृति के संरक्षण के इस अभियान में सतत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इसे 19वें चरण तक लेके आए हैं और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे सरिस्का में जो टाइगरों की संख्या है वो लगातार 27 से आगे की ओर बढ़ रही है और नए दो जो टाइगर के जो बच्चे हैं वो अभी कल परसों की न्यूज़ में भी हम लोगों ने सुना। ये सही मायने में पूरा इस सरिस्का प्रशासन की ही मेहनत का नतीजा है और लोगों का इस तरीके से सरिस्का के प्रति स्नेह है। निश्चित रूप से इतना प्रशंसनीय है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हम कई बार गुजरते हैं, सड़क से गुजरते हैं, फिर देखते हैं यार यहाँ थैली पड़ी है, यहाँ कुछ कचरा पड़ा है, तो ऐसे अचानक ऐसे लगता है यार अच्छी सफाई हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। और आपने जो इस पूरे कैंपस को, उस पूरे सड़क के दोनों तरफ जो कचरा है उसको साफ करके और आपने इतना अच्छा संदेश दिया है। अभी हम रास्ते से आ रहे थे अंदर से, तो हमने देखा कि वास्तव में जो कचरा हमें पिछले कई दिनों से दिख रहा था सारा आपने अच्छी तरह से समेट के और कट्टों में भर के और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको आपने रखा है। और मैं चाहूँगा कि हमारा स्टाफ भी इसको, कचरे का जो इकट्ठा किया उसका डिस्पोजल बहुत अच्छी तरह से करे। ये तो बात हुई कि आपने जो कार्य किया, दूसरा फिर आप भी मैसेज दें, अपने जनसामान्य को मैसेज दें कि कचरा नहीं करें, कचरा कूड़ा पात्र में ही डालें, कचरा इधर उधर नहीं फेंकें, क्योंकि ये कचरा है अंतिम रूप से ये नुकसान किसको करता है, ये वन्य जीवों को नुकसान करता है, क्योंकि जो सड़क के आसपास वन्य जीव आ जाते हैं वो किसी लालच में आ जाते हैं, कोई खाना पीना पड़ा होता है उस लालच में आ जाते हैं, कोई थैली है उसमें कुछ खाना छूट गया उस लालच में आ जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो खाने के साथ साथ ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें अपने पेट में चली जाती हैं और हमें ये पता नहीं लगता है कि कितने, कौन से जानवर ने कितनी थैलियाँ खा ली, कौन से जानवर ने कितना कचरा खा लिया। कई बार ग्लास टूटे हुए पड़े रहते हैं उन पर, कई बार जानवर, उनका पैर पड़ जाता है, किसी और जानवर को तकलीफ हो जाती है, हानि हो जाती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बार हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ऐसे जानवर होते हैं जिनके पेट में आज भी देखें तो कई जयपुर में कई बार फोटो आती है जिसमें कई गायों के अंदर इतना कचरा भरा हुआ रहता है, दिखता है जब उनका ऑपरेशन होता है। तो निश्चित रूप से ये कार्य है, एक बहुत ही साधुवाद का आपका कार्य है और मैं तो बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और आप इस चरण को आगे 19 चरण के बाद भी आप इसको कंटिन्यू रखें और अगर इसको और गैप अगर कम कर सकें तो आप निश्चित रूप से, ये हम आपके लिए बहुत, हमारे लिए भी और आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जाता है जनसामान्य में सब तरह से। तो निश्चित रूप से मैं आपको पुनः आपकी जो ये कार्य है उसके लिए प्रशंसा करता हूँ, आपकी बहुत तारीफ करता हूँ और आपके इस जज्बे को सलाम करता हूँ और आपकी एनर्जी जो आप दिखाते हैं, और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आगे भी हमारे लिए ये लाभप्रद होगा।
तो अभियान स्वच्छ प्लस अभ्यारण्य, जिसको हम स्वच्छारण्य के साथ सतत तरीके से निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, और आपने जो उम्मीद और जो आशा रखी है उस पर ये वॉलंटियर्स निश्चित रूप से सतत इसी प्रकार जुड़ेंगे, और इस अभियान को सही मायने में सफल बनाने में हमारी यहाँ थानागाजी की जो टीम है, लेखराज जी, राजेंद्र जी और डीएम सर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर आज किशोरी से भी बच्चे आए हैं और बीएम सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सतत इसी प्रकार इनके बच्चे भी लगातार इस अभियान में जुड़ रहे हैं, और मैं आप सभी बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से इस प्रकृति को बचाने के इस अभियान में जुड़े हो, ये सही मायने में आपको ना सिर्फ ऊर्जा का आपको संचार करेगा, आपकी सोच को एक सकारात्मक दिशा देगा, जिससे कि हम एक सकारात्मक माहौल बनाकर एक एनर्जेटिक तरीके से अपनी जीवन को एक दिशा देकर आगे बढ़ पाएंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ साहब को भी कि सर आप भी आज दो शब्द हमें कहें। जिस दिन हमने शुरुआत की थी सैनी जी और ये सब टीम मिलकर के, लग नहीं रहा था मुझे मैं आप कि इतना आगे बढ़ जाएंगे आप लोग। मैं बेहद खुश हूँ आपके इस पावन काम से, और मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि यदि हमने हमारे अपने आप को स्वच्छ रखा, पर्यावरण को अगर स्वच्छ रखा, तो मैं नहीं समझता कि सफलता के वो सोपान जो आपको मिलने चाहिए वो निश्चय ही मिलेंगे। आज हमारे यहाँ अभी बहुत बड़े लेवल के जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का नाम सुना है आप लोगों ने, किसी ने नहीं सुना, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है भारत सरकार द्वारा, कि वो पूरे कंट्री के अंदर अवैध खनन, अवैध जो गैरवानी की कार्य जिनको कहते हैं, उनकी रोकथाम हेतु वन एवं वन्य जीव अधिनियमों की विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग करने के उद्देश्य से, तो सदस्य सचिव अंदर है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपके साथ एक ग्रुप फोटो के लिए अगर वो आ सके। सौभाग्य सरिस्का का साथियों कि युवा जागृति संस्थान, यही है पूरा नाम आपके सर, कि वास्तव में आप युवा भी हैं और जागृत भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और आप जिस तरह से सीरीज़ में एक एटम बम की तरह जो सीरीज़ बना रहे हो, बच्चों तुम अपने आप को कम आकलित मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ, हम भी आपकी तरह ऐसे ही पढ़ते थे, मेरे साथी डीएफओ, और मैं तो यहीं का पढ़ा हूँ, अपने राजगढ़ कॉलेज का ही प्रोडक्ट हूँ, रैनी में पढ़ाई हुई फिर राजगढ़ में। अपने आप के हौसले बुलंद रखिएगा, अच्छे काम करते रहेगा, लेकिन कंटिन्यूटी टाइम शेड्यूल के आधार पर। सर इसका मैं जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था, 2.5 साल हो गए लगभग मुझे, मेरी टीम थोड़ी सी आकाश जैसे दिखते थे, ये रेंज ऑफिसर, ये स्टाफ धर्म सिंह, ये आंदोलन भी होते थे, क्योंकि यहाँ तो आसपास के बच्चे हैं, लोग हैं तो जानते हैं, वो सब नेगेटिविटी कहाँ ख़त्म हो गई बताइए। ऑफिसर तो वही हैं, कर्मचारी तो वही हैं, नेता भी वही है, भाई जिनको जनप्रतिनिधि कहते हैं, कानून बनाते हैं, जो विधान बनाते हैं, पॉलिसी मेकर्स, क्या बदलाव आया बताइए। इतना सा बदलाव किया मैंने कि मेरी टीम को मैंने कहा कि नहीं, गांव वाले हमारे शत्रु नहीं हैं, जनप्रतिनिधि हमारे शत्रु नहीं हैं, बस। और तीसरा छोटा सा जो काम मैंने प्रयास किया कि वार्ता का दौर आपके हमारे बीच सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, काम तो अधिकारी कर्मचारी वही करते हैं जो नियम कानूनों में होता है, परंतु उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ता करके और उसका निस्तारण किया जाना एक ही अच्छे अधिकारी और कर्मचारी की पहचान बनाता है। इस 2.5 साल के कार्यकाल में मैं साथियों बता दूं कि 8 से 10 टाइगर की बढ़ोतरी, जो टोटल संख्या का 33% है, हमारे पास जो टोटल टाइगर पॉपुलेशन है का 33% टाइगर केवल 2.5 साल में वृद्धि हुई है। उसके कारणों के बारे में आप स्वतंत्र हैं विचार रखने के लिए, अगर किसी मंच पे अगर कोई विचार विमर्श करने की आवश्यकता हुई तो मेरे से आप तिथि तय कर लें, अपन डिस्कस करेंगे, वाद विवाद करेंगे, क्यों सरिस्का पहले पिछड़ा हुआ था और क्यों सरिस्का बढ़ रहा है।
सैनी जी आप इसको थोड़ा सा जरूर सर टेकअप करें, बच्चों के जदो जान में आवे। विस्थापन आज से 20 साल पहले विस्थापन और आसान था, जब 2008 से और 20 तक ढाई गांव खाली होते हैं और ढाई साल में 3.5-4 गांव खाली होते हैं, कुछ तो वजह रही होगी साथियों, कुछ तो कहीं ना कहीं कोई चिंगारी होगी इस जिस तरह स्वतंत्रता के समय कुछ लोगों ने आवाज़ें उठाना शुरू की, अंग्रेजों को भगाओ, अंग्रेजों को भगाओ, भारत छोड़ो आंदोलन किया था बच्चों, तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, कैटलिस्ट के रूप में आप में से एक या दो बच्चे हो सकते हैं, बाकी आम जनता तो फॉलो करती है आप लोगों को। तो मैं चाहता हूँ आप नेता बने, नेता मीन्स डजेंट मैटर कि पॉलिटिशियन, लीडर ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, लीडर ऑफ एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और द कॉरपोरेट इंस्टीट्यूट। यहाँ सरिस्का में किसी भी तरह की आपको कोई जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिसर्च अगर आप किसी को करनी हो, हम आपको रास्ता बताएंगे, आप बहुत सारे स्कोप हैं सरिस्का पढ़ाई करने के, किसी विषय विशेष पर रिसर्च करनी है मेरे पास आइए, मैं बताऊँगा, परमिशन दिलाऊँगा, आप रिसर्च करिए, यहाँ पर आपका करियर बनेगा और हमारा काम होगा। ठीक है बच्चों, तो अगली बार कितने एक एक साथी और दो दो साथी को और कहेगा कि चलो सर इसका अभियान क्या छेड़ना है, चलो सर इसका। लोग कहते हैं ना चलो दिल्ली, चलो अयोध्या, चलो कहीं अहमदाबाद, नहीं, हमारा क्या है, ठीक है। पॉलिसी बन रही है जिस तरीके से आप 20 साल अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है पूरे विश्व में इस वर्ष को, इसी प्रकार पर्यावरण के लिए भी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, और सर ने कहा कि अगर कोई आप में से नेचर में रुचि रखता है तो यहां आके रिसर्च भी कर सकता है, पूरी मदद पर सर इसका प्रशासन आप लोगों की करेगा। तो सर बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के सतत इस अभियान में जुड़कर, क्योंकि कहते हैं ना कि एक से एक जुड़कर दो नहीं 11 बनते हैं, और धीरे धीरे अगर एक से दो जुड़ते गए और आज ये कारवा बना, और निश्चित रूप से इस अभियान को एक हम सतत तरीके से आगे बढ़ाएंगे, और इस अभियान में धर्म सिंह जी का, जितेंद्र जी का और पूरे टीम का सर ग्राउंड लेवल पर जिस प्रकार का योगदान रहा हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और बच्चे जो सतत तरीके से इस अभियान में जुड़ रहे हैं वो इनका स्नेह है कि जब ये लोग आते हैं तो इनका पूरा का पूरा, यहाँ तक कि हर बच्चे की टीम तक पानी से लेकर और इनकी व्यवस्थाओं तक पूरा प्रशासन आपका पूछता है, और किस तरीके से हम जुड़कर एक टीम के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, हम निश्चित रूप से जो क्लीन सरिस्का, ग्रीन सरिस्का का अभियान है इसको इसी प्रकार आगे बढ़ाएंगे, और आप सब लोगों को पुनः मेरी ओर से धन्यवाद, और आप सतत इसी प्रकार इस अभियान से जुड़े रहें, और लेखराज जी, राजेंद्र जी और सर बीएम सर सही मायने में इस अभियान के रियल हीरो ये तीनों लोग हैं, और इस अभियान की कल्पना जो की थी वो बद्री जी ने की थी, जो यहीं बांसू अपने थानागाजी में अभी वो होटल चलाते हैं अपना छोटा सा, तो उनकी एक सोच से हमने इस अभियान में जुड़ना प्रारंभ किया। जितेंद्र जी के पास आए और सर ने ये कहा कि शहर से आपका स्वागत है, और उसी दिन से सर पहले चरण से आज हम 19वें चरण तक पहुँच पाए, सतत तरीके से पूरा सब लोगों का योगदान बहुत अच्छा रहा, तो सर इसी प्रकार हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, आप सब लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ।